और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, वो आ रही है अभय चौटाला को लेकर। अभय चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, घोटालेबाजों को बचा रही है सरकार, ये बात कही है अभय सिंह चौटाला ने। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला हुआ, ये बात भी अभय सिंह चौटाला की ओर से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 महीने में 8 घोटाले गठबंधन सरकार ने किए हैं। और अभय सिंह चौटाला से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन सिवन, आप भी सुनिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार के कामकाज और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला हैं। अभय सिंह जी, प्रदेश में 8-9 महीने के जो गठबंधन सरकार का कार्यकाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाल ही में एक रजिस्ट्रियों से जुड़ा मामला चर्चा में है, उसको आपकी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? इस 8 महीने की सरकार ने 8 घोटाले किए। सबसे पहला घोटाला था धान का, उसके बाद घोटाला किया सरसों की खरीद का, जिसको भी मुख्यमंत्री ने सुबह माना था भी सरसों में बड़ा घोटाला हुआ है। उसके बाद घोटाला हुआ था चने की खरीद पे और गेहूं की खरीद पे। गेहूं की खरीद में तो किसानों से, मंडी के आढ़तियों से 4 रुपये सुविधा शुल्क के नाम पे भी वसूले गए, लिए गए। और उसके इलायदा अगला घोटाला हुआ शराब का, और शराब के बाद घोटाला हुआ फिर चावल का। चावल के बाद घोटाला हुआ है इन रजिस्ट्रियों को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। ये तो आप कह रहे हो कि आप इस सरकार को 8 महीने को किस तरह से आंकते हो। जहां कोरोना की महामारी से सरकार को निपटना चाहिए था, इन्होंने उनसे निपटने की बजाय किसानों से, आढ़तियों से, व्यापारियों से, स्टूडेंट से, जो कोई रोजगार में लोग, जो नौकरी पेशा लोग थे, उनसे निपटना शुरू कर दिया, और बहुत हद तक उन सबको इन्होंने पीड़ा पहुंचाई है। आज ऐसे हालात प्रदेश में कि हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रियों का सवाल है, इस दौरान इन्होंने 1199 रजिस्ट्री करी है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो ये है। और उसमें एक रजिस्ट्री ऐसी भी है, दो, जिन पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस गांव के अंदर सरकार कोई रजिस्ट्री नहीं करेगी, ऑर्डर है मतलब, उसका भी उल्लंघन किया गया, उसको भी अनदेखी करके उस गांव में भी, जो चीमा गांव है, उसमें इन्होंने रजिस्ट्रियां करी है। और उसमें नहीं, गुड़गांव में, सोना में बहुत सारी लैंड्स हैं जिन माफियाओं ने उस लैंड को लिया और इन्होंने रजिस्ट्रियां खोल करके उसमें बड़ा पैसा अपनी जेब में डालने का काम किया है। अब तो तहसीलदार ये कहने लग गए कि आप हमें रजिस्ट्री के नाम पे पैसा दो, हमें ऊपर पहुंचाना है। तो ऊपर क्या मुख्यमंत्री के पास पैसा गया? अगर मुख्यमंत्री के पास पैसा जाता तो फिर मुख्यमंत्री इन रजिस्ट्रियों को बंद नहीं करते, फिर ये रजिस्ट्रियाँ जारी रहती। तो ऊपर तो दूसरा फिर ये है कि जो रेवेन्यू का मिनिस्टर है, फिर उसकी जेब में पैसा गया होगा, और किसी के जा ही नहीं सकता। और अगर उसकी भी जेब में नहीं गया तो फिर बचाव किस चीज़ का हो रहा है? फिर तो इसके ऊपर तुरंत जो है जांच बैठानी चाहिए, तुरंत इसकी जानकारी लोगों को सार्वजनिक करनी चाहिए। जो लोग इसके लिए गुनाहगार हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसा किसी ने खाया उससे पैसा लेकर के सरकार को खजाने में जमा करना चाहिए, जिस किसी से लिया उसको वापस कराना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकार में बैठे लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कहीं डर है इस बात का कि अगर कल को सच्चाई सार्वजनिक होगी, कल को इन लोगों के खिलाफ तैने एक्शन ले लिया, तेरी सरकार चली जाएगी, इसलिए उनको बचाने का काम कर रही है। राजस्व जो मंत्री हैं वो ये मानते ही नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, जबकि जो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश के बाद जो लेटर जारी हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि गड़बड़ियां हो रही थी, इसी के चलते इस व्यवस्था को हम चेंज करें, लेकिन गड़बड़ियों की शिकायत थी। फिर राजस्व मंत्री इस बात को मानते नहीं है, मुख्यमंत्री ने रोक लगवाई है रजिस्ट्रियों के ऊपर, तो कोई दबाव की राजनीति हो रही है सर? मैंने बताया ना अभी, मुख्यमंत्री तो कैसे उसकी सरकार बची रहे इसलिए दबाव में है। अगर दबाव में ना होते मुख्यमंत्री तो रोक लगाने के साथ साथ इंक्वायरी कराते,
अरे इंक्वायरी भी किसी सिटिंग जज से करानी चाहिए, हाई कोर्ट के किसी जस्टिस से करानी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हों। आज तो लूट मची हुई है प्रदेश के अंदर, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हाथ डालोगे, जिसमें भी आप जानकारी हासिल करोगे, वहीं सरकारी पैसे को जो है और आम आदमी को परेशान करके उससे लिया जा रहा है, सरकारी पैसे को कागजों में दिखा करके जेबों में डाला जा रहा है। आप इस मामले में कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई क्या आप जो है कोई आपकी क्या तैयारी है, आप किस इस मामले को आगे कैसे किस तरह से लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, पूरी डिटेल से एक चिट्ठी लिखूंगा जिसमें सारे सबूत साथ लगाऊंगा और सबूत के साथ मुख्यमंत्री को वो लेटर लिख करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी जाँच कराओ। मुझे लगता नहीं मुख्यमंत्री दबाव में जाँच नहीं कराएंगे, जाँच हो मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं वो केवल लेटर उन तक सीमित नहीं रखूंगा, वो लेटर मैं जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के मेंबर हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे आपके ब्लॉक समिति के मेंबर चेयरमैन हैं, चाहे वो जिला परिषद के लोग हैं, चाहे एमएलए जो एमपी हैं हरियाणा के जितने भी, उसके अलावा जो नगर पालिका नगर परिषद के जो मेंबर हैं, उन सबको ए टू जेड को मैं वो चिट्ठी दूंगा और उनसे भी कहूँगा कि भी आप भी अगर आपके एरिया में कोई इस तरह की गड़बड़ी होती है तो मैं अपना एड्रेस उसमें दूंगा कि आप मुझे तुरंत अवगत कराओ, ताकि मैं उन आपकी दिक्कत और कठिनाइयों को प्रेस के माध्यम से उठा सकूँ, आपके लोगों के साथ इस किस्म की दिक्कत ना आए, उसके लिए आपके साथ खड़ा रह सकूँ, लड़ सकूँ, ये सारे चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। राजनीतिक हालात पर हम बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, आप भी जो है वो बड़ौदा में गए और तमाम अन्य जिलों में भी आपने अपने पार्टी के संगठन के लोगों के बीच में जाकर बातचीत की, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में इस तरीके की बयानबाजी है। बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस के लिए चुनौती है, कांग्रेस कहती है कि गठबंधन की सरकार के लिए बड़ौदा उपचुनाव की सीट चुनौती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की क्या तैयारी है सर, जबकि ये सीट पारंपरिक तौर पर चौधरी देवीलाल की चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सीट एक मानी जाती रही है। हम 70 से लेकर के 2000 तक 2005 तक उस सीट को जीतते रहे, हमारा 7 बार वहाँ से एमएलए बना। ये तो एक वक्त को इस किस्म के हालात बने कि कांग्रेस वहाँ से जीत गई। आज भी वहाँ का जो मतदाता है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज साथ है, बहुत लंबे समय से हमारी पार्टी के साथ रहा है और अब फिर नए सिरे से वो मतदाता हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो आपसी विवाद लड़ाई झगड़े जो है उससे लोग दुखी हैं, इन्होंने जो इस 8 महीने में जिस तरह से लूट मचाई है उससे भी लोग परेशान हैं। इस उपचुनाव में इनके राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं, फैसला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन दोनों के राजनीतिक भविष्य का करेगी। इनको मतदाता इनको 100% सबक देंगे। सर ये भी सवाल है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी है वहां पर, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी तैयारी की दावेदारी कर रही है, लेकिन गठबंधन में जो दोनों दल है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम 2 नंबर पे रहे थे उपचुनाव आम चुनाव में और हमारी ये सीट है और हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जेजेपी के नेता कहते हैं कि इसके ऊपर फैसला किया जाएगा, गठबंधन में है तो गठबंधन मिलकर तय करेगा। तो आपको लगता है कि इस मामले में भी जो है वो स्थिति क्लियर नहीं है गठबंधन के दोनों दलों की, कि वो क्या करने वाले हैं? ये चाहे कितना ही आपस में तालमेल के साथ चुनाव लड़े, इनका जो उम्मीदवार आएगा उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि इन्होंने लोगों का विश्वास ये खो चुके हैं। जो वायदे किए थे पूरा करना दूर की बात है, वो तो उल्टा लोगों में इस बात को लेकर के प्रचार करना शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई अगर हमारी सरकार अकेलों की बनती तो हम वायदे पूरे कर सकते, तो हम सरकार में सत्ता में नहीं हो गया, आप कौन से अलग हो तुमके, तो अगर तुम्हारी वजह से सरकार है आज तो फिर वायदे पूरे भी होने चाहिए, लेकिन ये वायदे पूरे नहीं करेंगे, ये तो लूटने में लगे हुए, जेबें भरने में लगे हुए, इसलिए लोग इनको सबक सिखाएंगे। तो अभय सिंह चौटाला हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और ये सीट जो है वो आप
पुरानी जिस तरीके से पारंपरिक ये सीट बड़ौदा चौधरी देवलाल की इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा की रही है उसी के तौर पर नतीजा भी बड़ौदा उपचुनाव का होगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ है या अन्य जो तमाम घोटाले 8 महीने की सरकार में जो 8 घोटाले सामने आए हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, साथ ही प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि है चाहे वो पंचायत के हैं, जिला परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, उनको भी उस चिट्ठी की कॉपी भेजेंगे ताकि सरकार के कामकाज का लोगों को पता लगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, आपने सुना उनको। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और घोटालेबाजों को सरकार बचाने का काम भी कर रही है। जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ये बात भी उन्होंने कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ये रजिस्ट्री घोटाला हुआ और 2 रजिस्ट्री तो ऐसी हो गई जिन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रोक लगाई गई है। हर रजिस्ट्री में लाखों रुपए का लेन देन का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि घोटाले का पैसा ऊपर तक पहुंचा है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस पूरे मामले की जांच करें, किसी भी सिटिंग जज से इस मामले की जांच हो, यह मांग की है अभय सिंह चौटाला ने। 8 महीने में गठबंधन सरकार ने 8 बड़े घोटाले किए हैं, बड़ौदा उपचुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी।